नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसन सिग्नल कम स्किनर बना है उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। वो कल के लिए मतलब 30 जनवरी 2019 के लिए मैंने 2020 के लिए मैंने स्क्रीनिंग करके स्टॉक्स सिलेक्ट करा हूँ। इसका भी बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा। तीन सेट बाई लेवल एंड सेल लेवल रहता है, तीनों लेवल तीनों सेट का बाई लेवल तीन सेल लेवल दिखाऊंगा। उसके बाद 100 डे ईवीक स्ट्रेटजी दिखाऊंगा। उसके बाद इंसान दवा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाऊंगा। इक्विटी का इक्विटी जो दिखाऊंगा। उसके बाद कमोडिटी एंड निफ्टी निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो व्यू दिखाऊंगा दिखा रहा हूँ ये आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। निफ्टी और निफ्टी का डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है और स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है मेरा यूट्यूब चैनल पर, तो वो भी आप लोग को देखने का मिल जाएगा और स्टॉक मार्केट में आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मेरा जो इसमें क्या क्या है, ये फाइल में क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है, कैसे मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ करना है, फिर उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो भी ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो सब वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए और परफॉर्मेंस वाला वीडियो भी आप लोग देखिए। और इसमें आप लोग व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ट्रायल के लिए, तो उसका लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फाइल डाउनलोड सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा लिंक है यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जरूर देखिएगा। तो देखते हैं, देखिए बाई सेल लेवल मैंने इसमें बाई लेवल सेल लेवल 1, 2 और 3 रहता है। तीनों सेट का बाई लेवल सेल लेवल रहता है, बहुत सारा इंडिकेटर है वो आप लोग को देखने के लिए इसमें ये आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट सेट का बाई सेल लेवल दिखाता हूँ। देखिए ये इसका बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, बाई सेल लेवल 1 का बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है। टारगेट 1 से टारगेट 4 बाई तरफ रखा हूँ और बाय टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ रखा हूँ। और सेल का एंट्री लेवल भी ऐसा है, टेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाई तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ। और इसके आप लोग को कैप और गन डाउन को कंसिडर कर लेना है। मार्केट ओपन होने के बाद स्टॉक कौन सा लेवल का है वो देख लेना है, उसके बाद देख के वो एंट्री लेना है। इसका आप लोग परफॉर्मेंस वाला वीडियोज़ देखिए तो आप लोग को एक और पिछले वाला वीडियोज़ देखिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसके बाद ये वाइसल लेवल 2 है, यह वाइसल लेवल 2, इसका बाय लेवल सेल लेवल टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 आप लोग देख लीजिए। इसके बाद वाइसल लेवल 3 आएगा, यह वाइसल लेवल 3, इसका R1 मतलब बाई का एंट्री लेवल है और S1 इसका सेल का एंट्री लेवल है। और इसके अलावा आप लोग स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट जो है उसका वैल्यू नोट कर सकते हैं, ये भी एंट्री पॉइंट हो सकता है। और बोलिंजर बैंड का मिड बैंड, अपर बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है। प्राइस चैनल का मिड बैंड, अपर बैंड, लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है और टीराउंड लेवल का वैल्यू नोट कर सकता है। ये जो टॉप लाइन, मिडिल लाइन और बॉटम लाइन, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा। वो आप लोग लाइव मार्केट में इसको ट्रैक करना या इसको ट्रेड करना आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर है और निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। तो इसका देखिए मैंने ये है वाइसल लेवल 1, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकता है, इसका यूज कर सकता है। वाइसल लेवल 2 और ये है वाइसल लेवल 3 और ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है। इसके बाद इसके अलावा बोलिंजर बैंड प्राइस चैनल ये ऑनली फ्यूचर्स का मिलेगा और टीराउंड लेवल का नोट कर सकता है। इसके बाद मैंने कमोडिटी का दिखाऊंगा, लेवल 1, 2 अब पॉज करके देख लीजिएगा। ये 3 स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल और टीराउंड लेवल।
पर्टिकुलरली प्राइस चैनल का वैल्यू आप लोग को बहुत ही कम पे आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी इन्वेस्टिंग डॉट कॉम में इसका इंडिकेटर मिलता है, लेकिन लोग कम जो यूज़ करता हो ज्यादा आप स्टॉक्स इस प्लेटफॉर्म में ये इंडिकेटर नहीं मिलता है। हो सकता है कुछ एंजल इसमें कुछ और कुछ मिल सकता है, मिल सकता है, मुझे पता नहीं है। सेल लेवल थ्री स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट बोलिंग ट्रेन प्राइस चैनल लेवल, और इसके बाद इसके बाद मैंने थोड़ा सा कमोडिटी सॉरी फ्यूचर्स का कुछ दिखा देता हूँ, वो वैसे मैंने ऑन दिखा दिया। उसके बाद मैंने 100 TEM स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा, कौन सा स्टॉक्स में काम हुआ है। यदि 100 डे मूविंग एवरेज का जो स्ट्रैटेजी है, कोई आज का कैंडल को जो जी जी स्टॉक्स का आज का कैंडल का हायर मतलब 100 डे में स्टार्ट 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है, वो कल का जो कल जब ये हायर लो को आज का हायर लो जब ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट देता है। किसी भी रेंज में आप लोग प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट में आप लोग जानते हैं प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट एक स्ट्रैटेजी होता है, लेकिन जब 100 डे मूविंग एवरेज जिस जिस स्टॉक्स का पार्ट करता है तो उस स्टॉक्स में अच्छी तरह से मूवमेंट आता है। अगर आप लोग को रिपोर्ट देता हूँ चार्ट में भी देखिए कौन सा स्टॉक्स में ये फॉर्म हुआ है। इधर देखिए और ऊपर में दिखाता है तो देखते हैं और ऊपर में को ऊपर में को बहुत ही नीचे से दिया है। तब भी आप लोग कुछ मेरा कैलकुलेशन एक्चुअली जो मूविंग एवरेज से कैलकुलेट करता है ये क्लोजिंग प्राइस का बेसिस पे होता है, मैंने एवरेज प्राइस के बेसिस पे किया हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा, लेकिन ये प्राइस आप लोग देख कर सकते हैं कि इन साइड द वर्ड एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वो भी आप लोग काम पे आएगा। और इसके बाद आप भी देखते हैं बजाज ऑटो का, काट किया है तो इसका जब हाई लो ब्रेक करेगा तो आप लोग इसका इसमें एंट्री ले सकते हैं, अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। उसके बाद देखिए और ऊपर बजाज ऑटो बहुत लिमिटेड तरह से बड़ा है, लेकिन इसमें भी आप लोग ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि इसका फीचर्स में जब अच्छा मूवमेंट ले रही है काट किया है और फ्यूचर या स्टॉक में कमरा है को देख लेते हैं। देखिए इधर काट किया है ओके। उसके बाद और ये कैसे काम करता है आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। इसके बाद मैंने एंशिएंट अबाउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और एलआरपी या सेविंग दिखाऊंगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखते हैं, मैंने कुछ कॉमन वाला दिखाना चाहता हूँ क्योंकि एक साथ दिखाना वो देख सकते हैं हम लोग। देखिए इंसेंट और ACC में बना है, अदानी पावर में बना है, बहुत सारा चीज़ में बना है। मैंने तो थोड़ा आप लोग को जो लोग पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी का वो सभी मिल जाएगा। तो इसमें देखिए मैंने अमर जो बैटरी में फॉर्म किया है वही सेंटर पर एनआर को, तो हमारे जो बैठे थे।